खिड़की को थोड़ी सी खुली रखते हैं ना तो जब भयानक आवाज आता है। What's up guys, welcome back to my channel। तो यहाँ पे आज काफ़ी मतलब हवा बहुत ही ठंडी आ रही है। मैं अभी भी नहाया हूँ, अभी दोपहर के 12 बज रहे, बट वेदर ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसे लिटरली ऐसा लग रहा है कि सुबह 5 या 6 बज रहे। एंड पानी इतनी ठंडी, मतलब जनरली सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक पानी, टंकी के पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, आज तो ऐसा लग रहा है कि फ्रिज के पानी से नहा रहा हूँ, इतनी ठंडी। एज वेल एज यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक के पोल हैं वो गिर गए हैं बिकॉज ऑफ द विंड, इसलिए मैं पीछे वाले बालकनी में आके आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले जो बालकनी वहाँ पे हवा का फोर्स कुछ ज़्यादा ही है, तो वहाँ पे आप लोगों के साथ बात करना पॉसिबल ही नहीं है। भले मैंने आज डेड कैट लगा लिया है, बट आज वहाँ पे जाके बात करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हवा का फोर्स कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे भी हवा काफ़ी आ रही है, मेरे कैमरे में भी अभी पानी के छाटे आ रहे हैं, बट स्टिल अब ब्लॉगिंग करना ज़रूरी है, आप लोगों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल जैसे तैसे मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था रात के 12 बजे तक ऑलमोस्ट, एंड आज ट्राई करूँगा 8 बजे तक ही अपलोड हो जाए। फिलहाल वेदर लिटरली बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, ऐसे मौसम में लिटरली ऐसा मन करता है कि वरना लेके थोड़ा सा घूमाऊँ, बट ये भी मन में डर रहता है कि काफ़ी जगह पे ऐसे पेड़ पौधे सब कुछ गिर चुके हैं, मतलब अहमदाबाद में एंड काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि बारिश से ज़्यादा हवा ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे गिरने का डर बहुत रहता है। अहमदाबाद में तो होता ही है, हर साल होता है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, काफ़ी गाड़ियों का नुकसान होता है, एज वेल एज पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे घूमने का इस मौसम में। देखूंगा कुछ जुगाड़, अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों को बाहर जाके भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल तो मैं यहीं से व्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ पे गाइस इतनी मस्त हवा आ रही है ना, मुझे मेरा तो मन कर रहा है आज पूरे दिन यहीं पे बैठा रहूँ। एक्चुअली ये पीछे भी जो बालकनी है यहाँ पे भी मैंने स्लाइडर पूरा खोल दिया, थोड़ा पूरा नहीं थोड़ा सा मैंने खोला है, वहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है, हालांकि पानी दोनों तरफ से आ रहा है, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इस तरफ से कम आ रहा है, बट स्टिल लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अहमदाबाद में जो गर्मी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा, एंड ऐसा वेदर पाने के बाद सब लोग बहुत मस्त मज़े मारेंगे। हालांकि जो डेली वेजेस लेबर्स हैं उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे घर के सामने यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने टेंट वेंट लगा के अपना घर बनाया है लेबर लोगों ने, तो उन लोगों को ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो हो सके तो आप लोग भी कुछ हेल्प कीजिए, आपके घर के आप लोग घर के सामने जो भी होंगे इस तरह के। ऐसे वेदर में एक तो नींद बहुत मस्त आती है, बहुत ज़्यादा मस्त, एंड आलस भी बहुत आती है। तो गाइस आप लोगों को अभी हवा की आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, एंड एज़ पर प्रिडिक्शन 3 बजे साइक्लोन आने वाला था, आने वाला है, तो लग रहा है अभी काफ़ी मतलब हवा काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी बारिश तो कंटिन्यूस हो रही है, कंटिन्यूस बारिश हो जा रही है ना, अभी बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो कैमरे में पानी के छाटे कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये खिड़की बंद करता हूँ एंड उस तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ से भी कुछ ऐसा ही सीन है, उस सोसाइटी के अंदर वाला सीन मैं आपको दिखाता हूँ। एज वेल एज ये वाली खिड़की तो हम खुला रख ही नहीं सकते, क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा घर के अंदर घुस रहे हैं, तो इसीलिए ये खिड़की तो हमको बंद रखना पड़ रहा है। लिटरली कंटिन्यूस बारिश हो रही है एंड थोड़ी थोड़ी देर में तो हवा की आवाज़ इतनी खतरनाक आ रही है, मतलब थोड़ा सा हम लोग ये स्लाइडर खुला रखते हैं तो ऐसे फॉग। आई नो मैं बहुत किडिश आवाज़ निकाल रहा हूँ, बट लिटरली ऐसी आवाज़ आ रही है, इसलिए जिन घरों के तरफ पानी नहीं आ रही है, पानी तो सभी घरों के तरफ आ रहे हैं, बट जहाँ पे पानी का हवा का फोर्स कम है उन लोगों ने अपनी स्लाइडर खोल रखी है ताकि फ़ैन वैन ना चलना पड़े। हालांकि मैं भी अब तक इसी रूम में बैठा था, मैंने भी कोई फ़ैन वैन नहीं चलाया, मैंने भी स्लाइडर को मैंने थोड़ा सा यहाँ से खोल रखा है, एंड इतनी तेज़ हवा आ रही है, मतलब बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। एनीवे इतनी आलस आ रही है ना, मैं आज सुबह इतना लेट उठाऊँ लेकिन अभी फिर से नींद आ रही है, मतलब वेदर इतने मेरे को घायल कर दिया, मतलब इतना आलसी बना दिया मुझे, नींद आ रही है फिर से मुझे। एज वेल एज सोसाइटी में से जो लोग मेंटेनेंस के लिए है उन लोगों की आज छुट्टी हो गई है, क्योंकि कुछ भी काम करने लायक नहीं है, हर तरफ पानी पानी हो गया है, एंड सोसाइटी में से बहुत हवा आ रही है। एज वेल एज सोसाइटी में काफ़ी जगह पे पानी चौक हो गया है, तो उसके लिए भी काफ़ी कंप्लेन किया गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो नई नई बनाई गई है, अगर अभी से अगर ऐसा कंप्लेन आ रहा हो तो फिर बाद में फ्यूचर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ पानी स्टॉक हो रहा है उसको अच्छे से निकाला जाए। ये देखिए यहाँ पे पानी चौक हो रहे हैं, ये भी एक बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया था, पर यहाँ पे पानी चौक होना सही नहीं है, तो इसीलिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं, सोसाइटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी काफ़ी लोग मेंशन कर रहे हैं कि भाई इसको ठीक कीजिए, बट बहुत ही मज़े आ रहे हैं आज। आप लोग वहाँ पे कैसा वेदर हो रहा है कमेंट में बताइएगा, कि हमारे इधर तो मस्त
मज़े वाले साइकिलों ने, मज़े वाले, पानी बहुत आ रहे, पर पूरा रूम मेरा पानी पानी हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे घर की लाइट हो चुकी है गुल, आई मीन घर की बत्ती गुल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया है, तो वाईफाई भी बंद हो गया है। अभी पता नहीं ये व्लॉग एडिट कर पाऊँगा कि नहीं, अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं। एंड साथ के साथ जो साइक्लोन है वो भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल वोल गिर गया होगा, कहीं से कुछ डिसकनेक्ट हो गया होगा, तो देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि अभी तो चलो 4 बज रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा तब प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। आई होप जल्दी से जल्दी सब कुछ रिकवर हो जाए, सब कुछ ठीक कर दे, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो गाइज अभी शाम के 6 बज रहे हैं, विंड की जो स्पीड है ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, एंड हवा की जो आवाज़ है आ रही है, आपको सुन पा रहे होगे आप लोग। ये पूरा एरिया पूरा पानी पानी हो गया है, आगे इधर ये सब पूरा सूखा था, ये सब पूरा पानी से एकदम भर गया है। अभी देख सकते हो आप लोग, पूरा भर चुका है पानी से। पता नहीं क्या है हालत होगी, सुबह से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, कंटिन्यूस। आज मेरा ब्लॉग का कंटेंट ही सिर्फ बारिश दिखा रहा हूँ आप लोगों को एंड हवाएं सुना रहा हूँ, बट मौसम इतना, मतलब एक होता है अच्छा एंड अभी है ना कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। एक्चुअली बालकनी की इस साइड से तो हवा का स्पीड इतनी सुनाई नहीं देती, एंड उस साइड से सोसाइटी का सारे घर वर है, तो दिखाने मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैं उनके घर की तरफ कैमरा कर रहा हूँ एंड ऑल, इसीलिए मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एक्चुअली नेचर को भी आप ज़्यादा देख पाओगे, उस तरह से सिर्फ घर एंड ऑल फ्लैट्स ही है सिर्फ, बाकी आप लोग देखो पूरा पानी हो गया, पूरा पानी पानी हो गया, सब कुछ पूरा पानी पानी हो गया है। ये सब पूरा सूखा था एकदम ये सब, और घर की लाइट जो है बार बार जा रही आ रही है, अब तक ऑलमोस्ट 7 से 8 बार लाइट गई है ना आई है। तो गाइस इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं, है ना। बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर कुछ ज़्यादा कुछ होता है तो देखते हैं, कल शायद मैं 2 ब्लॉग भी डाल दूँ मे बी, मतलब अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो पर आज का व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं, है ना, तो इसको एडिट करते फटाफट, लाइट आते ही इसको मैं अपलोड करूँगा, है ना। तो जय श्री राम, आप लोग भी आपका ध्यान रखिए, घर से बाहर जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम ना हो घर से मत निकलिए, सबका ध्यान रखिए। एक तो कोविड भी है, साइक्लोन भी है, तो ध्यान रखिए जहाँ पर भी हो, सब लोग अपने आपका ध्यान रखें। फिर से लाइट आ गई, देख रहे हो लाइट जा रही आ रही। एनीवे खत्म करते हैं आज का ब्लॉग, है ना, जय श्री राम। आवाज देख रहे हो हम लोग, बहुत ही खतरनाक आवाज आ रही है। खिड़की को थोड़ी सी खुली रखते हैं ना तो जब भयानक आवाज आता है।